नमस्कार, राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। खोल भारतीय संगीत का एक बेहद पारंपरिक वाद्य यंत्र है और मेरे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में दिखाई दे रहे हैं मनोज कुमार दास जी, जो इसी वाद्य यंत्र के साधक हैं। यूं तो बेहद युवा हैं, लेकिन लाखों लोगों का दिल जीत चुके हैं और उन दिल जीतने वालों में कई बड़ी संगीत हस्तियां भी हैं, उनका जिक्र करूंगा। लेकिन पहले तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्कार। तो मनोज जी, आप जो सभी आपका बहुत बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है आपका असम का, तो पहले तो थोड़ा सा बताइए कि असम में जो म्यूजिक है, असम का जो पारंपरिक म्यूजिक है, वो कैसा है और आप कैसे संगीत में जुड़े? नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत आंतरिक धन्यवाद देता हूँ, आज मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में और लोगों के सामने कुछ बातें रखने के लिए आपने मुझे रखा। तो जो हमारा असम का जो खोल वाद्य है, जो ये खोल वाद्य लगभग 600 साल पहले महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, जो जो वैष्णव नव वैष्णव धर्म के जो गुरु है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने उसको सृजन किया था। और ये जो खोल वाद्य है, वो जो हमारा धर्म प्रसार नव वैष्णव धर्म को, वो जो खोल वाद्य गीत, जो बरगीत बोलते हैं, जो आसाम का नॉर्थ ईस्ट का जो क्लासिकल म्यूजिक है, बरगीत बरगीत बोलते हैं उसको, उसके साथ वो खोल वाद्य एकॉम्पनी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बजते हैं और इसको सोलो भी बजते हैं। और एक खोल वाद्य हमारा 600 साल एक ट्रेडिशन, ऑरली ट्रेडिशन, जेनरेशन बाई जेनरेशन चल रहा है। जो हमारा सत्र है आसाम के, वहाँ पर अभी भी वो परिवेशित तो हो रहा है। ऐसे ही मेरा होम टाउन है बरपेता, जो असम का जो महापुरुष गुरु महापुरुष का जो श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव जी का जो इसका कर्म भूमि है बरपेता, यहाँ पर सत्र नगरी है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ और यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो मैंने पढ़ा कि आपने 9 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया था, तो क्या याद आता है, कैसे सीखना शुरू किया, क्यों सीखना शुरू किया, क्या परिवार में कोई परंपरा थी, जरा बताइए हमको। हाँ, मेरा घर में एक संगीत का परंपरा है। मेरा पिताजी गाना गाते थे, हमारा जो लोक संगीत है असम के वो गाते थे। मेरा दीदी तीन दीदिया था, और तीन दीदिया सो लोकगीत, बरगीत और क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी और वो गाता था। ऐसे ही मैं छोटे अवस्था में मैं गीत का एक मुझे मिला और ऐसे ही मैं 9 साल से मेरा म्यूजिक जर्नी स्टार्ट हुआ। जो हमारा बरपेता में प्रसिद्ध जो म्यूजिक विद्यालय है, जो शंकरदेव कला क्षेत्र, उसमें मैं पहले खोल वाद्य का पहले प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से हासिल किया। और उसके बाद आपकी मुलाकात हुई जगन्नाथ सर से। हाँ, और मेरा जो गुरु हमारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सत्र भूगन जगन्नाथ बयान, आज 10 दिन पहले उसका देहांत हो गया। अभी उसका एज था 98 ईयर्स। वो जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का जो साथ खोल जब सीजन हुआ था, उसके साथ जो बजाया था, उसका नाम है केतेखा फीमा बयान बोलते हैं, उसका उत्तर पुरुष है। वो जो ट्रेडिशनली हमारा काम चलता है, जो जो वंश परंपरा के रूप से खोल चलता है, उसका उत्तर पुरुष है। वो मुझे खोल सिखाया था और उसके अंदर मैं अभी भी सीख रहा था। 22 साल, लगभग 22 साल मैं खोल उसके अंदर मैं सीख रहा था और अभी वो 10 दिन पहले उसका देहांत हो गया। आपने बताया था मुझे जब हम लोग इस बात कर रहे थे और आपकी आवाज में वो दर्द भी समझ में आ रहा था अपने गुरु के खोने का। मनोज जी, मैं जानता हूं कि आपने रागगिरी के सब्सक्राइबर्स के लिए 3 अलग अलग पीसेस बजा के रखे हैं जो आप हमें सुनाने वाले हैं, तो पहला पीस आप कौन सा सुना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और फिर हम वो पीस सुनेंगे। हाँ, जो पहला मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ वो है जो भंगी बजाना बोलते हैं। वो भंगी बजाना मतलब ये बिग कंपोजिशन ऑफ खोल, बोल खोल का बिग कंपोजिशन है जो 12 है, उसका कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ।
और उसका जाति जाति है मिश्र, जाति मिश्र में है, और उसका मात्रा है 60। चलिए वो देख लेते हैं पहले। Tong 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 kita kita tong kita 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 dina ta tong tong kita kita tong kita 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 dina ta tong hey tong kita kita tong kita 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 tong kita kita tong kita 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 tong kita kita tong kita 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 dina ta tong hey dinong kita dinong kit dinong kita dinong kit ridhana dinita dinong tong tatta kita kita tong dinong tong kurun tong kit hey ta tong 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 dina ta dinita dinong ta tong kita ta kita ta ketong ka tong dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinita kita dina ta dinita nong kita ta kita 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 ta kita 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 dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinong dina ta dinita dinita kita dina ta kita dinita kita dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinong kita ta kita 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 ta kita dinita kita dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinong dina ta dinita dinita kita dina ta dar kita 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 dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinong kita ta kita 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 ta kita kita dina ta dinita dinita kita dina ta dinita dinong ta tong ta tong 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 dar kita kita dina tong ta tong kita 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 tong ta tong धर कि तक धर कि धर कि खिर कि तक खिर कि खिर कि धर कि तक धर कि धर कि धीना ता टोंग धर कि तक धर कि धर कि खिर कि तक खिर कि खिर कि धर कि तक धर कि धर कि धीना ता टोंग ता टोंग। तो ये हमारा प्रयास होता है रागगिरी का कि आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों के कलाकारों से मिलाएं। और आज आपकी मुलाकात देखिए खोल बजाने वाले एक बेहद युवा और बहुत ही मजबूत कलाकार मनोज जी से हो रही है। मनोज जी, आपने फिर उसके बाद असम से आप लखनऊ गए और लखनऊ में आपने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से भी तालीम ली। उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कीजिए। हाँ, जो हमारा जो बरपेता में सीख रहा था मैं खोल खोल के बाद मैं तबला में हमारा प्रयास किया सीखने में, और तबला में मैं निपुण किया भातखंडे संगीत विद्यापीठ के तरफ पर, जो ओपन ओपन होता है, जो हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है, वहाँ पर मैं संग निपुण तबला में मैं लिया।
उसके बाद जो खोल में गुनिन किया था, ऐसे ही काम चल रहा है, अभी ही सीख रहा हूँ। और अभी जो खोइरा इंदिरा कला विश्वविद्यालय से अभी तबला में मास्टर्स अभी एग्जाम दिया हूँ, इस बार शायद होगा तबला में। तो जी अगर आप थोड़ा सा मैं बता सकें कि मृदंगम हो गया, खोल हो गया, पखावज हो गया, इन सब में क्या फर्क होता है? अगर एक आम आदमी आपसे पूछे जिसको म्यूजिक का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आप अगर हमें बता पाएं कि इन तीनों चीजों में क्या फर्क होता है? जो मृदंगम और खोल में एक अनुरूप वाद्य है, उसका जो कुछ डिफरेंस नहीं, बोल का डिफरेंस होगा। जो खोल का बोल है जो उसको बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है, और खोल का जो बोल है वो संस्कृत संस्कृत बोल है, संस्कृत से आया है। और जो उसमें भक्ति भाव आता है, मृदंगम में भी आता है, लेकिन खोल खोल का जो बोल होता है उसको बहुत कोमल है। उसका टंग ताक ता धिन खित ये पास मुख्य इसका बोल है। इस बोल से सभी खोल का जो ताल है, बजाना है, वो सृजन हुआ है। और खोल का जो ताल है वो मार्गीय ताल है, उसको हम कंपोजिशन नहीं कर सकते। वो अभी बांधा है, वो 500 साल 600 साल से बांधा है। ये ताल ऐसा ही है, उसको हम रिनोवेट नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा ही हमारा कंपोजिशन है। जो खरमन ताल है खोल में 16 मात्रा का, कोड़ी ताल है 14 मात्रा का, रूपक ताल है 12 मात्रा का। जो हिंदुस्तानी में हमारा तबला में 7 मात्रा का है रूपक ताल, हमारा खोल में रूपक ताल 12 मात्रा का है। एक ताल 12 मात्रा का है, जो हमारा तबला में भी 12 मात्रा का है और हमारा खोल में भी 12 मात्रा का है। और जटी ताल है, जटी का बहुत भाग है। जटी मतलब 10 प्राण का जटी नहीं, जटी ताल जो हमारा जटी बोलते हैं 10 प्राण का, जटी ताल है, उसका जटी का भी बहुत भाग है। जटी मानजटी ताल, थरम जटी ताल, माज जटी ताल। पहले जो जटी ताल है उसका 28 मात्रा है, और जो मानजटी ताल 42 मात्रा का है। और 42 मात्रा में वर्गित गाया जाता है, 42 मात्रा में गाया जाता है। जो ट्रेडिशनली जो वर्गित होगा वो 45 मिनट का एक वर्गित में लगेगा, ऐसे होता है। तो ट्रेडिशनली उसका गीत गीत के अंदर वो ताल ताल भरा भरा कर उसका जो हमारा क्या पालटा पालटा बोलते हैं, जो हमारा तबला में जो पालटा होता है, ऐसे हमारा खोल का बोल है, जिसको हम शोक शोक बोल सकते हैं। शोक हमारा ताल में सार भाग है। जो एक ताल में सार भाग है, पहला गामान या मूल बजाना, जो गामान बोलते हैं हम उसको ठेका बोल सकते हैं। वो आवर्तन होता रहता है हमारा, जैसे ताल के टीतल या हमारा तबला में जो आवर्तन होता है, हमारा गामन में आवर्तन होता है। उसके बाद होता है शोक। शोक मतलब पालटा की तरह, जो हमारा तबला में है पालटा की तरह वो शोक बोलते हैं। उसके बाद खाट होता है। खाट मतलब जो गीत का समरणी होता है, समाप्त होता है, उसको हम खाट बोलते हैं। खाट के बाद नहीं गीत नहीं बजाता, वो समाप्त होता है, उसको घाट बोलते हैं। और उसके बाद एक है थौनीमान, जो समाप्त कार्य, उसको समाप्त कार्य बोलते हैं, वो थौनीमान बोलते हैं। ऐसे ही ताल है। और ताल के बाद हमारा है बजाना। बजाना मतलब जो ये बिग कंपोजिशन है, जो खोल का बिग कंपोजिशन है, एक बजाना है। जैसे ताल प्रचलित और अप्रचलित ताल है। प्रचलित ताल खरमन ताल है, परी ताल है, पटपरी ताल है, रूपक ताल है, रस्यक ताल है, एक ताल है, जटी ताल है, मानजटी ताल है, थरमजटी ताल है, माजजटी ताल है, दखबरी ताल है, जामान ताल है, ऐसे बहुत बहुत सारे। रूपगंजल ताल है, विखम ताल है, हरू विखम ताल है, बहुत सारे ताल है। सब अलग अलग मात्रा का है, अलग अलग क्षण का है। 16 मात्रा में सार पांच ताल है। उस ताल का भी उपताल होता है। जैसे खरमन ताल, खरमन ताल 16 मात्रा का है, खरमन ताल के और सार पास उपरताल होता है, तो अब ऐसे आप होता है। हमको दूसरी क्लिप में क्या सुनाने जा रहे हैं? आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि अब तो सुनने का मन कर रहा है। क्या सुनाने जा रहे हैं दूसरी क्लिप में? आपको दूसरी क्लिप में मेरा जो जटी ताल है, जटी 28 मात्रा का है, जटी ताल में आपको सुनाना चाहता हूँ। जटी ताल के साथ हमारा सोरा घाट है। सोरा घाट बोलते हैं, सोरा घाट मतलब जो लय को सोर करते हैं उसको सोरा घाट बोलते हैं। जटी ताल के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ सोरा घाट।
इससे पहले आपने जब सुना होगा, जब ताल के नाम मनोज जी गिना रहे थे तो एक के बाद एक ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग अपने आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, दो दुनी चार त्याई छह चौको आठ पंजे दस, उस तरह से वो एकदम रटा हुआ था उनकी जुबान पे। और इसकी एक वजह शायद ये भी है कि मनोज जी ने इस कम उम्र में ही एक किताब भी लिखी है खोल पर, खोल विद्या, उसके बारे में बताइए मनोज कुछ। जो खोल विद्या है वो जो बरपेता ट्रेडिशन का जो हमारा बोल है, हमारा असम में सत्रिया म्यूजिक का तीन घराना है। तीन घराना मतलब तीन फूल है, तीन डिफरेंट स्टाइल है जो गायक की बाधक बा डांस का जो डांस फॉर्म है हमारा सत्रिया, जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, और गायक जो बरगीत है और बाधक जो हमारा खोल है, उसका तीन फूल है। मैं बरपेता फूल में बिलोंग करता हूँ, मैं बरपेता फूल में सीखा हूँ। ऐसे ही और दो फूल है, बरदुआ और कमलाबड़ी सत्र, बरदुआ और कमलाबड़ी सेक्टर। इसके जो बरपेता सेक्टर का जो बोल है, जो ताल है, उसके ऊपर मैंने, तभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय मैं अनुभव किया जो खोल के ऊपर कुछ लिखने के लिए। लेकिन हमारा जो है ओरेली ट्रेडिशन, ओरेली है, सब मौखिक मौखिक है, जो अभी लिखित रूप में है, जो स्टूडेंट वगैरह जो इन फ्यूचर में काम आएगा, ऐसे ही मैंने लिखा था। अभी जो हमारा कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में वो बुक रेफरेंस बुक के तरफ वो छात्र पढ़ते हैं, उसके बाद मैं यंग आर्टिस्ट मिनिस्ट्री के, मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंदर यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड मिला। उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप में खोल वाद्य के ऊपर लिया, जो कंपैरेटिव स्टडी किया मैं सुंदरी सत्र और बरपेता सत्र के ताल के बीच में कंपैरेटिव स्टडी किया। उसके बाद मैं ICH जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो संगीत नाटक अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, उसके अंदर भी मैंने प्रोजेक्ट किया, जो बरपेता सत्र का जो 500 साल पुराना जो हमारा परंपरा है, खोल का जो बोल है, उसको कम्प्लीटली उसको नोटेशन में लाकर उसको वीडियो ऑडियो फॉर्म में लाया, वो अभी निकला, उसका भी काम हुआ। ऐसे काम चल रहा है। और हमारा जो बरपेता के बाहर जो सत्र है, उसमें जाकर मैं उसका जो खोल का ताल है, बोल है, वो लेकर अभी कुछ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, जाते इन फ्यूचर जो प्रिजर्वेशन रहे वो बोल या वो ताल। ऐसे काम चल रहा है। और मेरा एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ खोल वाद्य, उसके अंदर मेरा अभी हमारा बरपेता में 200-220 हमारा छात्र या खोल सीख रहे हैं, और बाहर भी ऑनलाइन चल रहा है, अभी ऐसे काम चल रहा है। और हमारा स्टूडेंट भी नेशनल स्कॉलरशिप मिला CCIT का, संगीत नाटक अकादमी का, मेरा स्टूडेंट को भी अभी काम, ऐसे खोल को आगे बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। जो संगीत की दुनिया में जो लोग आते हैं, अगर यूं तो उनकी चाहत नहीं होती पुरस्कार की, वो पुरस्कार के लिए नहीं आते, वो तो अपनी साधना के लिए आते हैं, लेकिन अगर पुरस्कारों के लिहाज से बात करें तो भारत के जो चार सबसे बड़े पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके पहले पद्मश्री, और उससे पहले अगर संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है वो बेहद प्रतिष्ठित होता है, वो मिलता है कलाकारों को, और उससे भी पहले मिलता है युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार, जो SNA यानी संगीत नाटक एकेडमी से ही मिलता है, और वो मनोज जी को मिला हुआ है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि मनोज जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनके कदम सही बढ़ रहे हैं। मनोज जी एक क्लिप बची रह गई है अभी, तीसरी क्लिप हमको और देखनी है, तो उसके बारे में बताइए और कि वो क्या है, और फिर वो क्लिप भी दिखाइए हमें। हाँ, वो जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता, वो जो हाथचलन भजना है, हाथचलन भजना के साथ जो धमाली का कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। जो हाथचलन बोलता है उसको हम हस्त साधन बोलते हैं, जो हमारे तबला में पहले जो हम बजाते हैं हाथ को फ्लेक्सिबल करने के लिए, जो हस्त साधन बोलते हैं उसको हम हाथचलन बोलते हैं। उसके बाद मैं धमाली का कुछ अंश, हमारा धमाली जो बजाना है वो बजाना एक बहुत है, जैसे बड़ धमाली है, होरू धमाली है, खोसा धमाली है, माजू धमाली है, नाग धमाली है, गुरु मिदंग धमाली है, ऐसे धमाली है। उसके बाद धमाली के बाद कुछ अलग बजाना है, जो भंगी है, माजू भंगी है, होरू भंगी है, बर भंगी है, उसके बाद बोला सोता भंगी है, उसके बाद भंगी है। जो बोला सोता भंगी मतलब जो श्री कृष्ण, हमारा जो कल्चर है श्री कृष्ण के ऊपर है, कम्प्लीटली श्री कृष्ण के ऊपर है, जो श्री कृष्ण के ही सब गुणगान गाते हैं, और जो निराकार कृष्णा को मानते हैं, हम निराकार इसको मानते हैं,
ऐसे जो श्री कृष्ण के ऊपर जो हमारा नाश भी है, श्री कृष्ण का नाश, उसका श्लोक भी एक आप लोगों के सामने हम पेश करना चाहते हैं। जरूर देखते हैं उस क्लिप को। मैं अभी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कृष्ण नृत्य के ऊपर एक श्लोक। विश्व भरत तंग पद नम तंग लक्ष्मी बल्लभ दुर्लभ पदतम। विश्व भरत तंग पद नम तंग लक्ष्मी बल्लभ दुर्लभ पदतम। फ फनि धर तंग धर तंग धर तंग फ फनि धर तंग धर तंग धर तंग भरतं व्रजतं खगवतिता भरतं व्रजतं खगवतिता धेय खित। मैंने इस इंटरव्यू में आपको मनोज जी से बातचीत की, खोल के बारे में समझा, खोल मृदंगम और पखावज में क्या फर्क है ये भी जाना, और निश्चित तौर पर खोल सुनने का मौका तो हमको मिला ही। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि इनके कई ऐसे चाहने वाले हैं संगीत के, इनके ऐसे पसंद करने वाले लोग हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा नाम है पंडित रोनू मजुमदार का। और मैं पिछले दिनों दुबई में था और रोमू दा से फोन पे बात हो रही थी, और तब उन्होंने आपका जिक्र किया था कि क्या कमाल का खोल बजाते हैं। तो वो क्या प्रोजेक्ट था जो आप लोगों ने साथ में किया था, मनोज भाई जरा बताइए हमें। हाँ, वो जो सर ने मुझे फोन किया था, सर ने फोन करके जो मुझे बोला कि मुझे बरगीत बरगीत में करना है, असम के एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी जो 26 जनवरी का है, जो होगा आगंतुक। सर ने बोला कि मुझे बरगीत में काम करना है असम का, तो सर ने बोला तो मुझे, मैं दौड़ के खोल का कुछ गीत जो बरगीत के ऊपर मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग करके उसको सर को भेज दिया, और सर बहुत खुश हुए। सर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि खोल इतना काम चल रहा है अभी, और सीखो अच्छी तरह से। और सर ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, और सर का मैं बहुत आभारी हूँ। और सर ने बहुत मरम दिया, और सर ने बोला कि अगले कुछ प्रोजेक्ट हम लेंगे खोल के साथ। मुझे तो बहुत खुशी मिली,
और जो मैंने जो कुछ अलग जो हमारा इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है, हमारा जो सत्या म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो खोल और अदर इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, बहुत असम के बहुत युवा कलाकार है, बहुत प्रसिद्ध तबला वादक है, स्थिति गोविंद दत्त। उसके साथ मैं खोल और तबला के जुगलबंदी कर रहा हूँ। अभी हाल में मैं हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली में और असम के बहुत सी जगहों में हम कार्यक्रम किया। और हमारा जो भारत का प्रसिद्ध बांसुरी वादक है जो पंडित चेतन जोशी जी के साथ भी हम जुगलबंदी किया हिमाचल में, दिल्ली में, असम में। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं खोल और अदर इंस्ट्रूमेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या साउथ का जो अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ हम काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। और रोनू दा जैसे कलाकार जब आपकी तारीफ करें तो ये समझा जा सकता है कि संगीत में आपकी जो साधना है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। उनका आशीर्वाद तो आपके साथ है ही है। रागगिरी के तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने हमारे लिए समय निकाला मनोज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।